Flight to London. Emirates. निकी गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण करायणी सर्वशास्त्री देवी नारायणी नमस्तुते। हेलो Nikki! Nikki, ये तुम क्या कर रही हो? Nikki, तुम बहुत गलत कर रही हो। Nikki, मेरी बात सुनो, कुछ तो बोलो। Nikki, वो जरा बिजी है। तो क्या है कि आज उनकी शादी है, मैं उनका होने वाला पति ऋषभ लांबा बोल रहा हूँ। अगर कोई मैसेज है तो आप मुझे दे सकते हैं। वैसे आपने बताया नहीं आपका नाम क्या है। ऋषभ ऐसा मत करो प्लीज, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो। जब आप इतना परेशान होती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आप इतना हड़बड़ा क्यों रही? अभी जिंदगी कहाँ खराब हुई, अभी तो जिंदगी खराब होना शुरू हुई। और अभी शादी कहाँ हुई? अभी तो शादी की रस्म सिर्फ शुरू हुई। अच्छा ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऋषभ, मेरी बहन की जिंदगी बख्श दो। डन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मेरी कुहू मुझे वापस दे दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी लाडली छोटी बहन मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कि तुम कुहू के साथ यहाँ पर आओ और आकर इस शादी को रोक दो। ऋषभ, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बेटी या बहन, तय कर लो। महाराज आइए, विलंब हो रहा है। वो क्या है कि पंडित जी बुला रहे हैं, तुम सोच लो। हेलो हेलो बेटी या बहन, तय कर लो। हेलो राज। अनुष्का जी। नहीं राज, मैं नहीं जा सकती। ऋषभ निकी से शादी कर रहा है और मुझे जाके ये शादी रोकनी पड़ेगी। क्या अनु नहीं जा रही है? ऋषभ और निकी शादी कर रहे हैं, पर अनु को वहां जाने की जरूरत क्या है? बेवकूफी कर रही है वो। अब वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। सुख दुखानी सर्वाणी पया सह विभज्यते कुटुम्ब रक्ष कार्यास्ताम
भवान पुत्र हरिदम आस्ती नास्ती संतुष्टा। अब पर महोदय वधु जी को सिंदूर दान करेंगे। रुद्र भक्ति रता नित्यं सदैव प्रिय भाषिणी भविष्यामि पदे चैव प्रियता प्रियता। ऋषभ से इस विलंब के लिए क्षमा। एक मिनट निकी, सिंदूर थोड़ा कम पड़ गया तो थोड़ी बहुत जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। देखिए, अपनी बड़ी दीदी के सामने खड़ी हूँ, ये कैसा अभद्र व्यवहार है। चलो सुनो, अपनी दीदी के पांव छो छो ना। तुम्हें बहन कहते हैं तो दुश्मन किसे कहते हैं, लेकिन आपने ही तो नहीं नहीं निकी, नहीं नहीं, इस थप्पड़ को भी अपनी दीदी का आशीर्वाद समझ के विनम्रता से स्वीकार कर लो। भैया जो भी सीखना समझना होगा वो समझ जाएंगे, लेकिन आप ज्यादा देर मत कीजिए, गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं जाएगा। और पंडित जी आप प्लीज बाकी रस्में करिए। भैया वैसे भी पंडित जी को रस्मों को लेकर कुछ एतराज है आपसे। महाराज आपने तो फेरों के पहले में ही मांग भर दी। हमने तो इनकी मांग तभी भर दी थी जब हमें इनसे मोहब्बत हुई थी। तो क्या है पंडित जी, एक वीआईपी के आने का इंतजार था, बस इसलिए प्रोग्राम थोड़ा आगे पीछे हो गया। आप फेरों की सारी तैयारियां कीजिएगा, सारी की सारी रस्में पूरी की जाएंगे। मांग भरने के बाद हमारी तरफ से हमारी दुल्हन को ये पहला तोहफा। Excuse me, please, please रुकिए, please मेरी बात सुनिए, आप मेरी मदद कीजिए, please I need your help। वहाँ मंदिर पे ना वो लोग मेरी बच्ची को लेकर गए हैं, please आप मेरे साथ चलिए, please मेरी बात सुनिए। Dara 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 dara
कुहू, कुहू बेटा, थैंक यू सो मच, आप मेरी कुहू को मेरे पास ले आए। सिर पर क्या है तेरा? प्लीज, मेरी पागल हो गई है क्या? मेरी बेटी है ये तो मेरी कुहू है। हाथ मत लगाए इसे, दोबारा हाथ लगाया ना तो पुलिस को बुला दूंगी। हाँ आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी सीखी। मैं अभी मम्मी साहब सबके बारे में ही बात कर रही थी। आइए ना राज अंकल, आइए। अब आपने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी सीखी तो ये बात तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। क्या? वो ये कि आपकी मम्मा मुझसे नाराज है तो मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए कि मुझे घर के अंदर आना चाहिए या नहीं। मम्मी, आप अंकल से नाराज है? शायना, ये सवाल तुम अपने राज अंकल से ही पूछो। राज, मैं तुम पर छोड़ती हूँ, तुम डिसाइड करो, तुम्हें इस घर में आना चाहिए या नहीं। स्वागत है, आप शादी के शुभ अवसर पर पधारे हैं या किसी गुमशुदा की तलाश करते हुए यहाँ पर आ गए? जिस तरह मैं आज यहाँ पर आया हूँ वैसे ही तुम्हारे पाप भी पलट कर आएंगे ऋषभ लांबा। कुणाल भैया, इसे कहने दीजिए। और ये तुम्हारा छोटा भाई जो इस पाप में तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारी उस दशा को देखकर अफसोस करेगा कि मैंने अपने बड़े भैया को इस पाप से रोका क्यों नहीं। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कुणाल कि जो घिनौना पाप तुमसे हुआ है वो मैं क्यों नहीं रोक पाया। राहुल, कल तक तो नहीं पर आज मैं तुमसे बहुत मायूस हो गया हूं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम मेरी बहन के पति हो। मुझे लेके मायूस होने की कोई जरूरत नहीं कुणाल, अब कुछ तुम्हारी बातें कर लीजिए कि तुम क्या हो। औरों के गुनाहों को गिनते फिरते हो लेकिन जब अपने गुनाहों की बातें आती तो बड़ी आसानी से गिनती ही भूल जाती। पर कोई ऐसा यहां पर आ रहा है जो यहां पर गिनकर बताएगा कि तुम असल चीज क्या। आइए भाभी। देखिए भाभी, आपके पति यहाँ पर आकर मेरी खुशी में खलल डाल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो पाप है। और भाभी, आप वो औरत हैं जिन्होंने कुणाल खरबंदा के पापों को सबसे ज्यादा बर्दाश्त किया। आप इन्हें बताइए ना कि ये खुद क्या चीज है। रुको कुणाल, अपने बारे में सुनते तो जा। हाँ रुक जाओ कुणाल, अब मुंह छुपा कर कहाँ भाग रहे हो? भाई साहब, आप जानते हैं मेरे पति कैसे हैं? कैसे हैं मेरे पति? मेरे पति वैसे हैं और आप सब मर्द जो यहां हैं उनमें से कोई भी मेरे कुणाल की बराबरी कर ही नहीं सकता। और मैं भी इस राम की सिया बनने के लायक थी ही नहीं।
कुणाल, मुझे तुम्हारे और अनुष्का के रिश्ते के बारे में पहले शायना ने और फिर राज ने बताया। सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची जिसे जायज और नाजायज का मतलब भी नहीं पता, वो कैसे झूठ बोल सकती है? शायना की बातें सुनने के बाद मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई। मुझे लगा मेरा विश्वास कितना सस्ता और कितना हल्का निकला। पर मुझसे भी हल्का विश्वास तो रमन अंकल और राहुल तुम्हारा निकला। घर में बैठी हुई भाभी को तुम समझ नहीं पाए? एक ब्याहता औरत के लिए बच्चलन होना एक मौत मरने जैसा होता है। भाभी, आप इतनी सारी गलतफहमी। आज इतने अरसे के बाद मैं सही रास्तों से होते हुए अपने पति के पास आई हूँ, और आज सही रास्ते के इस मोड़ पर खड़े होकर मुझे समझ आ रहा है कि आपने जो चाल चली कितनी घटिया थी। खबरदार जो मेरे पति के बारे में किसी ने उल्टी सीधी बात कही। मेरा विश्वास उतना हल्का नहीं है जितना आपका था अपने पति पर। निकी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गलत प्रेमियों ने मुझे छोड़ दिया और तुम्हें घेर लिया। अब ऐसे हालात में किसी को शुभकामना देना ढोंग लगता है ना। बट एनीवे, गॉड ब्लेस यू निकी। वो घर तुम्हारा, वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है कुणाल।